लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में आज यहां लोक निर्माण विभाग एवं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य सुन्नी लुहरी सड़क MDR 22 एवं शिमला से मंडी MDR 76 की सड़कों के विस्तारीकरण परियोजना से संबंधित लगभग 70 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस समझौते से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पूर्व में उनके दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के सहयोग से उन्होंने 5 सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। इनमें सलापड़ तत्तापाणी सुन्नी खैरा लुहरी सड़क मार्ग शामिल है। इससे न केवल करसोग बल्कि आनी कुमारसेन रामपुर तथा किन्नौर क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर SJVNL के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीण के सुन्नी एवं लुहरी क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की उन्होंने जानकारी दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ SJVNL का, जो जैसा मैंने कहा कि हिमाचल से ही जिसकी पैदाइश हुई है और भारत सरकार का ये एक अभिन्न अंग है और जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी स्टेक्स है और आज ये एक नवरत्न कंपनी बनी है और इसमें जहाँ पे पूरे राष्ट्र निर्माण में SJVNL का एक बहुत बड़ा योगदान है, वहीं हाइड्रो सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में भी लगातार वो अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आपका नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट है, चाहे रामपुर प्रोजेक्ट है और अब जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन लूरी प्रोजेक्ट है और आपका सुन्नी प्रोजेक्ट है। तो आज पर्टिकुलरली हमारा जो सुन्नी प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत SJVNL का और हमारे विभाग का लोक निर्माण विभाग का MOU करार यहाँ पे हुआ है, जिसमें जो हमारी सड़क है जो मेन आपका सुन्नी से लेकर खैरा तक है और उसके साथ साथ जो आपका ढली से लेकर सुन्नी सड़क है उसके एक्सपेंशन का, विस्तारीकरण का, अपग्रेडेशन का, मेटलिंग टायरिंग का एक अप्रॉक्सीमेट 70 करोड़ का जो है वो MOU यहाँ पे जो है वो करार हुआ है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारा सरकार की ओर से ये प्राथमिकता है कि जो हमारी सुन्नी लूरी सड़क है और इससे जो पहला वाला लिंक है आपका जो सलापड़ से लेकर सुन्नी तक आता है, इसको हम आने वाले समय में, मैंने अभी नितिन गडकरी जी से भी इस विषय में निवेदन किया है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को प्राथमिकता पर उठाया है कि इसको नेशनल हाईवे घोषित होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल सतलुज नदी के साथ लगता हुआ सड़क है जो क्षेत्र के विकास में तो योगदान देगा ही, मगर उसके साथ साथ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे अगर कुछ भी आने वाले समय में कोई भी अगर कोई इस तरीके की परिस्थिति डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है तो हमारे डिफेंस के ट्रूप्स के लिए ये सड़क का जो मूवमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसलिए इसका आने वाले समय में नेशनल हाईवे का के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, मगर आज के दिन जो हमारा सुन्नी से लेकर जो है आपके खैरा प्रोजेक्ट जहाँ पे प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है और वैसे ही जो आपका ढली से लेकर सुन्नी तक उस सड़क को अपग्रेड किया जाएगा और बाकी इसमें क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 2000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें स्थानीय युवाओं को भी रोज़गार के साधन पैदा होंगे, चाहे वो हमारा शिमला जिला के लोग हैं, मंडी जिला के लोग हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा और आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी की ओर हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, इसका फ़ायदा भी हमारे क्षेत्र को मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा और इसमें से जो बिजली का उत्पादन होगा उसकी जो रॉयल्टी हम हिमाचल प्रदेश को मिलनी है जो टर्म्स एंड कंडीशंस में बनी है उसके हिसाब से हिमाचल को सहयोग मिलेगा।